हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम के साथ। यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पीएमओ ऑफिस से पहले भी यहाँ पर एक अपडेट जारी हुई थी, है ना, और आज भी यानी कि 21 अक्टूबर को आप न्यूज़पेपर कटिंग देख सकते हैं हिंदुस्तान की। और यहाँ पर कल की डेट यानी कि 20 अक्टूबर को यहाँ पर जो पीएमओ ऑफिस है वहाँ पर भी शेयर किया गया था कि 10 लाख भर्तियों की जल्दी ही घोषणा होने वाली है आप लोग के लिए, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली जाएंगी। अब वो कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे जिसमें आपकी भर्ती निकलने वाली है, जिसमें आईटी छात्र पे इंक्लूड होंगे, आप लोग तो जानते होंगे कि जल्दी आप लोग के लिए रेलवे भर्ती निकालने वाला है। लगभग 1.5 लाख पद निकलने वाले हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग आज की पेपर कटिंग देख सकते हैं, जो हिंदुस्तान है वहां पर ये अपडेट जारी हो चुका है। अब मैं इसको डिटेल में आपको पढ़कर दिखाता हूं। मैं आ चुका हूं हिंदुस्तान के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जहां पर बात हुई है। देखिए यहां पर इन्होंने लिखा है कि धनतेरस के रोजगार मेला शुरू कर रहे पीएम मोदी, इन विभाग में होगी 10 लाख पदों पर भर्तियां। यानी कि जारी, मतलब आप लोग जानते होंगे पीएम ऑफिस पर भी एक अपडेट जारी हुआ है कि 22 अक्टूबर को यहां पर एक रोजगार मिलेगा, कौन से डिपार्टमेंट कितनी कितनी भर्तियां हैं, यानी कि टोटल 10 लाख भर्ती में वाले है गवर्नमेंट। अब देखिए यहां पर मैं बात करता हूं कि किस डिपार्टमेंट में यहां पर भर्ती निकलेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों में केंद्र सरकार के विभाग के 10 लाख भर्तियों का करने का ऐलान किया था। अब धनतेरस से इस पर अमल शुरुआत होने वाली है। आइए जानते हैं किस जो भी पोस्ट में कितनी कितनी भर्ती यहाँ पर निकाली, कौन से डिपार्टमेंट से कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकालने वाली है, और यहाँ पर पीएम ऑफिस की ओर से क्या अपडेट जारी हुआ है, कब तक ये भर्ती आने वाली है, पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान में, कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों के केंद्र सरकार के विभागों में 10 लाख भर्तियाँ कराने का ऐलान किया था। अब धनतेरस से इस पर अमल किया करने की शुरुआत होने वाली है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 75,000 नए पद, अब ये 75,000 कौन से पद हैं दीयर, जो पहले ही मतलब इनका एग्जाम हो चुका था, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं हुआ, तो इन छात्रों को यहां पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ठीक है, 75,000 कैंडिडेट को, ठीक है। इस मौके पर कर्मचारियों को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। जून में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि आने वाले 1.5 सालों में केंद्र सरकार की नौकरियों में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाएगी, यानी कि आने वाले 1.5 साल में, है ना, यानी कि 2024 तक जो है यहाँ पर वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। 2024 से पहले आप लोगों को जो है भर्ती यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, कितनी भैया 10 लाख पद। अब देख सकते हैं आप लोग, इसका अर्थ हुआ कि 2024 के आम चुनाव से पहले यह भर्ती अभियान पूरा हो जाएगा। अब ये बात कर रहे हैं कि भर्ती का अभियान पूरा हो जाएगा, हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग बाद में, इलेक्शन के बाद में, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है ये भर्तियाँ इलेक्शन से पहले जो है जारी कर दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा जो मुद्दा यहाँ पर आया है, देखिए यहाँ पर सरकार सूत्रों का कहना है कि सबसे ज्यादा भर्ती रक्षा मंत्रालय में है, ठीक है, यानी कि यहां 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं। कितने भैया 2.5 लाख पद रक्षा मंत्रालय, जैसे कि अभी पुलिस वुलिस हो गया ना, इनमें आपकी भर्ती आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा रेलवे में भी देख सकते हैं आप लोग, 3 लाख के लगभग पद हैं, यानी कि 2.9 लाख पद भरे जाने हैं। यहां पर सोचना कि 2.9 लाख पद यहां पर क्या होंगे, ये भरे जाएंगे, यानी कि इसमें आप लोग भी इंक्लूड होने वाले हैं, आईटी छात्र, जिसमें पहले भी रेलवे ने नोटिस दे दिया था कि आने वाली जितनी भी लेवल 1 की पोस्ट होगी उसमें हम आईटीआई वाले छात्रों को प्राथमिकता देंगे। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो लोको पायलट की एएलपी की पोस्ट है उसमें भी आईटीआई वाले छात्रों को मौका दिया जाएगा, तो आप लोग के लिए तो अच्छा मौका रहने ही वाला है। बाकी और भी छात्र हैं उनके लिए भी ये गोल्डन चांस बनने वाला है। इन 10 लाख नौकरियों में कुल 23,000 पद राजपत्रित अधिकारियों के हैं, इसके अलावा 26,000 ग्रुप बी के हैं, और गैर राजपत्र जो पत्रित बी टैक कैटेगरी के 92,000 पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा 8.4 लाख पद ग्रुप सी के हैं, ग्रुप सी की, है ना, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ग्रुप सी में कितने हैं, 8.4 लाख पद। उसके बाद यानी कि इसमें क्या होता है, सारे के सारे जितनी वैकेंसी होते हैं ऐड हो जाते हैं ग्रुप सी में, जितनी भी आते हैं पोस्ट वगैरह, जिससे वगैरह जो भी जितने डिपार्टमेंट है सब इसमें आते हैं। इन भर्तियों के देख सकते हैं यहाँ पर कि इन भर्तियों की केंद्र सरकार के सभी विभागों की ओर से कोशिश तेज कर दी गई है, यानी कि जल्दी, यानी कि एक किस्म से क्या है, ये मिशन मोड है। मिशन मोड क्या होता है, जल्दी से करना, किसी भी चीज़ को फास्ट करना, यानी कि जल्दी से तेजी से उस चीज़ को, काम को खत्म कर देना, तेज कर दी गई। पहले राउंड में कुल 38 विभागों में 75,000 नए पद कर्मचारी मिलने वाले हैं। कुल 10 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है यहाँ पर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और अन्य संस्थाओं के माध्यम से पूरी की जानी है। सबसे पहले देखो किस किस की भर्ती आने वाली है, यूपीएससी की, एसएससी और उसके बाद रेलवे बोर्ड, है ना, यहाँ पर पहले ये इन जो है डिपार्टमेंट को भरेंगे, है ना, किसको, इन डिपार्टमेंट को पहले यहाँ पर ये भरेंगे, यूपीएससी, एसएससी और रेलवे बोर्ड को पहले यहाँ पर भरा जाएगा। उसके बाद अन्य संस्थाओं में माध्यम से पूरी की जानी है। इन पदों में क्लर्क, इनकम टैक्स ऑफिसर,
सिपाही से लेकर के केंद्रीय सुरक्षा बलों में अफसर तक की वैकेंसी है। जो है गौरतलब है कि मोदी सरकार पर भर्तियां नए निकालने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में आम चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियों का देकर सरकार ऐसे तमाम आरोपों को काट देने की कोशिश करेगी। यानी कि एक भाई एक किस्म से यही तो मान सकते हैं हम लोग, पहले भी जो भी इलेक्शन हुए थे उसमें भी उन्होंने ग्रुप डी की वैकेंसी दी थी, और उसमें भी मतलब एक किस्म से जितने भी युवा, भाई एक बार बताओ अधिकतर युवा है मोदी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं किस मुद्दे पर कि वैकेंसी नहीं आ रही। तो इसी चक्कर में क्या गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, 2024 में इलेक्शन है तो वो क्या काम करना चाह रही है कि जितने भी छात्र इन चीजों से मतलब एक किस्म से मोदी सरकार के खिलाफ है उनको क्या करेंगे, अपनी रुख करने वाली है। क्यों? भर्तियां दे देंगी, बच्चे क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, भाई भर्ती आ चुकी है, मोदी सरकार को वोट हो, है ना। जब मोदी सरकार वोट पाएगी, मोदी सरकार अगर जीत गई तो फिर हमारी ज्वाइनिंग भी होगी। तो इस रीजन से भैया ये अलग अलग मतलब खेल खेलते जाते हैं, ठीक है, एक किस्म खेल ही मान लो एक किस्म से, ठीक है। बाकी तो भैया अच्छी बात है, अगर ये भर्ती निकलती है तो बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। 10 लाख पद भैया थोड़े नहीं होते, कम नहीं होते, 10 लाख पद बहुत ज़्यादा 10 लाख होते हैं। और सबसे बड़ी बात है रेलवे डिपार्टमेंट है ना, आप लोग अधिकतर यहाँ पर ITI छात्री देख रहे होंगे इस वीडियो को, है ना, अधिकतर ITI छात्र हैं, कोई ITI कर रहा होगा, किसी का ITI कंप्लीट है तो चिंता मत करो। आप लोग अगर अभी भी ITI कर रहे हो ना, हो सकता है आप लोगों को जल्दी मौका देखने, क्योंकि 1.5 साल के अंदर भर्ती होने वाली है ना। अगर अभी आप ITI कर रहे हो सकता है आप इस मौके को पा लो, है ना, आपको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग के हाथ से छूट जाएगा, तो अभी तक चिंता मत करो, हो सकता है आपको भी इसका पकड़ में वैकेंसीज जो है आ जाए, है ना। 10 लाख वैकेंसी है, धीरे धीरे करके पूरी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो और ITI वाले छात्रों को तो और भी अच्छा मौका यहाँ पर दिया ही जाएगा। मैंने बता रखा है रेलवे बोर्ड अगर अपने बात पर रहा, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने पहले बोल रखा है कि हम जितने भी ITI वाले छात्र हैं उनको प्राथमिकता देंगे ही देंगे, है ना, रेलवे बोर्ड ने पहले यहाँ पर बोल दिया था, ठीक है डियर। अब देखते हैं वो इस पर अमल करते हैं, इन 10 लाख वैकेंसी और 1.5 लाख वैकेंसी यहाँ पर, सॉरी 3 लाख है ना, 1.5 लाख तो मैं बात कर रहा हूँ, 2.9 लाख पद भरे जाने हैं, मतलब एक किस्म से 3 लाख ही पद मान लो ना, 3 लाख पद खाली हैं, तो है ना 3 लाख पदों पर भर्ती होगी रेलवे बोर्ड में, सिर्फ रेलवे बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 3 लाख पद। अब 3 लाख पद में लगभग लगभग हर डिपार्टमेंट मतलब हर छात्र को मौका दिया जाएगा। इसमें 10th की लेवल की भी पोस्ट होगी, है ना, 10th वाले भर सकेंगे, जो 12th वाले छात्र हैं वो भर सकेंगे, अलग से ITI वाले छात्रों को प्राथमिकता जाएगी कि भैया ये वैकेंसी ITI वाले छात्रों के लिए है सिर्फ, है ना। तो ये अलग अलग ट्रेड के लिए अलग डिपार्टमेंट मतलब वैकेंसी निकाले जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ITI वाले छात्र सिर्फ रेलवे से अप्लाई करेंगे, देखिए हो सकता है बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें रेलवे की रिक्वायरमेंट होती है ना, मतलब ITI की रिक्वायरमेंट होती है जो ITI छात्रों को मांगते हैं, है ना, जैसे बिजली विभाग हो गया, बिजली विभाग में सिर्फ TG2 की वैकेंसी अभी देखने को मिली होंगी UPPCL की, है ना। अभी और भी स्टेट है और भी डिपार्टमेंट है जिसमें ITI छात्रों को इंक्लूड किया जाएगा, और भी बिजली विभाग से यहाँ पर आपको नौकरी देखने को मिल जाएंगी। तो इस मुद्दे पर जैसे यहाँ पर अभी धनतेरस की बात हुई कि क्या, अब देखते हैं इसका रिकॉर्ड आने 22 अक्टूबर की बात हुई है कि 22 अक्टूबर को जो देखते हैं क्या निर्णय आता है, इसमें क्या और नए नए प्रावधान लागू होंगे, तो मैं पूरी डिटेल में आपको वीडियो दूंगा। तो वीडियो के जो चैनल के साथ जुड़े रहना, है ना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आ रही होगी तो ठीक है डियर। अगली वीडियो जो भी होगी आप लोगों को मैं बता दूंगा कि क्या निर्णय लिया गया है, कब वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अभी तक ये निर्धारित नहीं किया है, सिर्फ अभी इससे तक यही कन्फर्म है कि भैया 1.5 साल में भर्ती होनी, यानी कि 2024 से पहले भर्ती जारी होंगी, लेकिन कन्फर्म डेट नहीं हुई है, ठीक है। कन्फर्म डेट सिर्फ अप्रैल तक बता रहे हैं कि अप्रैल तक जो है ना, अप्रैल महीने में लगभग 60,000 भर्तियां आपको लोको पायलट की देखने को मिल जाएगी, है ना, अप्रैल महीने में। अब देखते हैं इस पर आती है या फिर नहीं आती है, वरना 2024 से पहले तो आपकी सारी भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।